two, three, go. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe. नहीं मैं स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ. अरे नहीं पागल, इसको अरे ये बार बार बोलती है, ये 10 बार बोलेगी. गाइस तुम कर दो ना एक बार में. गाइस आज बहुत ही टाइम बाद मैं मालविका और रितिका पूर्वा मिले हैं और हम नाइट स्टे कर रहे हैं. पहली बार आई हूँ क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट हूँ गाइस. पागल है. सो गाइज पहले हम ना आते इतने एक्साइटेड हो जाते थे, हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, पर अभी हमारे हालात देखो जरा. हमने ये जो गोला बना के दो तीनों गाइज दिस इज व्हेन यू टर्न 25 ना, तो ऐसी हो जाता है. 25 की गाइज अब हम जो भी करने वाले हैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे. पूरा सेंसर होता है, ठीक है? एडल्ट हो आप. गाइस ब्लैंकेट नीचे जाओ. गाइस हम लोग बिल्कुल नहीं जाऊंगी भाई, बिल्कुल भी नहीं. अट्टा पटारी कर लो. हाँ ठीक है, करते हैं. चलो 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 अट्टा पटारी, अट्टा पटारी. मिला मिला मिला. ओए मजा तब आएगा जब पूर्वा हारेगी. कसम है नाक की, कसम लगे तुझे जुकाम तेज. चलिए खेल तो ले, खेल तो ले, भगवान तेरे साथ होगा तो तू नहीं जाएगी नीचे. नीचे कमीनी कुत्ती. चल ले, चल यार. मालूम तुझे कसम है वैश की. मर जाए वैश की कसम. ये नहीं मर रही, तेरे पाप की वैश की भी मिल गया होगा यार. यार चले जाओ यार. उसे पैसे देने मेरे पापा ना लात उसे पैसे और सीओडी किया है. अबे कैश भी तो चाहिए. ऑनलाइन कर दियो यार. ये छोड़ो, उसको कॉल करो, बोलो सेकंड फ्लोर पे है ना. अबे माँ को गालियां देंगे, उन्हें नहीं पता कि हमने ऑर्डर किया है कुछ. तो कुछ जाएगा तब भी पता चलेगा ना. मैं तो छोड़ कर यार वो बंदा. हेलो क्या है यार, जा बाय. चप्पल दे दो. चल मैं नहीं जा रही. तो अब तू ही जा. एंड ऑफ द डे वृतिका गई है. बहुत एक सेकंड, वृतिका गुस्से में गई है. दरवाजा का इस पटक के
bitch. I'm a real bitch. And I accept it. Bitch. You're I accept it. If you're one of the subscribers, I'm sure your life will be in hell. She's a rebellious kid with no passion at all. घर जाना है किसको? दोनों अबे यार केरी एक मुझे छोड़ कर आओ और एक मुझे छोड़ कर प्लीज तो जाती नहीं मल्लू सीरियसली अब मैं ड्रामा करूं वो कह रही है कि वैश को बोल मैंने मल्लू कहती मुझे छोड़ करा तो पूर्वा बोली कि हाँ ठीक है वैश को बोल मुझे भी छोड़ करा इनको वो नीचे है मैं यार इससे गंदी चीजों पे हमने लड़ाई करी है 8 साल की दोस्ती में और मुझे नहीं उसने बोला कि एटीट्यूड मेरा एटीट्यूड है और मैं जा रही हूँ घर तो उसे जाने दो मुझे बोलने दो नहीं नहीं मुझे यहाँ पे लड़ाई हमारे तो होते ही नहीं हर महीने नहीं नहीं यार एक सेकेंड सबका अपना अपना पेन होता है पहली बात तो उस पर कोई नहीं जाएगा ठीक है तेरे को मेरे को भी मैं कभी कभी बहुत होता है कभी ज़्यादा तेरे को उस बात को हम लेंगे नहीं मेरे को ये बात पूछनी है कि इससे सीवियर लड़ाइयाँ हमारी हुई हैं इससे बुरी बुरी लड़ाइयाँ हुई हैं एक सेकेंड मैं मुझे बोल रही हूँ फिर तो बोल रही हूँ गंदी गंदी लड़ाइयाँ हुई हैं मुँह पे एक दूसरे को बहुत कुछ सुनाया ठीक है ये मैं क्या नाम है मैं इतनी दूर देर तक मैं अभी बहुत भूखी हुई थी मेरे घुटने में अभी भी दर्द है मैं फिर भी आई मैं क्योंकि मुझे तुम लोग के साथ रहना था मैंने वो मैसेज ऐसे ही नहीं किया आई एम सो एक्साइटेड ठीक है हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे अपूर्वा एक छुट्टी मिलती है ऐसे पूरे उसमें तुझे इतने टाइम में तुझे रात दिन तुझे सो जाग के तू इतने दिन से काम कर रही है एक दिन तुम लोग हम लोग आए हैं और मुझे नहीं लगता दिल चल रहा है एक सेकेंड ना पर मुझे सिंपली बताओ कि यहाँ हम 24-25 साल की हो गए हैं जब इससे बुरी प्रॉब्लम थी तब तो हम लोग ऐसे एक दूसरे को छोड़ के भगे नहीं ठीक है ये मुझे एक बार मैच्योरली बताओ कि क्या इस टॉपिक पे लड़ के और मुझे घर छोड़ दो बोलना ठीक है दोनों के लिए ठीक है भाई एटीट्यूड लड़ मर के खत्म करो ना कि तू पहले सीवियर मत बोलो हो गया तेरा फैक बन गया फैक हो गया गाइस भागी प्रैंकस्टर भागी गाइस प्रैंकस्टर भागी यू वांट टू से समथिंग ऐसे करी थी मैं वो सांस सच में नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे अपने जब मुझसे लड़ते तो मेरी फट जाती है ऐसे यार एक सेकंड ना पूर्वा एक सेकंड ना थोड़ी लाइटिंग ऐड कर और मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ ये पीछे से आई सॉरी मैंने कहा इसके मुंह से सॉरी निकल गया आप मान जाते हैं मैंने कहा लेट इट गो लेट इट गो फिर इसने बोला एज यूजुअल है बोला सॉरी तुझे पता है ना मैं कितना बहुत बोल रही थी गाइस अभी इतनी गंदी लड़ाई हुई है ना इसको वो भी रिकॉर्ड हो रहा था अब चेक करना पड़ेगा कि वो सही रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है मैडम एक वर्ड बोलिए सीवियर अभी सही लग रहा था वो थैंक्स टू देव लग रही है
एक ये है, दो ये है। गाइस जस्ट डोंट आस्क मी कि हम ऐसे डांस क्यों कर रहे हैं, हम पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हम चारों जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर की माताएं बाहर आ जाती हैं। A few moments later. तरस नाइट गाइस, तरस आता है मुझ पे, तरस नहीं आता। होल योर नाइट आउट, गुड नाइट। यार हम एडल्ट्स हो गए हैं क्या यार, यार हम एडल्ट हो गए, अगले 2-3 साल बाद हमारे पास पति होंगे यार। ब्रो यार पति से भी बस ये लल्ला ना रो रहा हूँ मेरा घर पे मम्मी घर आ जाओ यार, यार हम बहुत जल्दी बड़े हो गए यार। अपने पति को बोलेंगे गेट लॉस्ट, या पति को क्या बोलेंगे जब बच्चा रो रहा होगा। बाय 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 गाइस। अबे यार गुड मॉर्निंग गाइस, मैं रात का ओके तक गंदी लग रही हूँ, मैं रात का ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, बट मैं सुबह उठी हूँ। अपूर्वा मैडम बिना चाय के उठती नहीं है, और मान लो मैडम ने भी मना दिया तो मैं विरते करके घर में आंटी पूजा करी, मैंने ढूंढ लिया चाय पत्ती चीनी एंड एवरीथिंग। Now let's make a chai, like a good friend. Okay, this is a difficult task. We'll not find a lighter. Jenny, milk. First, we're gonna put the milk. नहीं कोई नहीं, मैं बना चुकी हूँ आंटी। आप मिल्क का बोल रही हैं? नहीं आंटी वृतिका सो रही है। Perfect breakfast for them. अच्छी friend हो? Chai, bread, butter. चलो अब बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइज इट्स वे मोर डिफिकल्ट, बट मैं कैसे कैसे करके लेके जा रही हूँ। ओ गॉड, बस भगवान गिराओ ना। अपूर्वा गुड मॉर्निंग, रुक जा रुक जा, बहुत मुश्किल से लेके आई हूँ, प्लीज कैन यू ओपन द डोर। ये सालो पहली बार चाय बनाई With bread, और मेरी उंगली भी जल गई। क्या गाइज लुक एट द प्लेटिंग, जरा मैं भी तो देखूं। रितिका तुझे पीनी है चाय? पहले चाय टेस्ट करके बता क्या। So, yes bro, it's way too much fancy. रुजो अपूर्वा हिलियो मत। मॉर्निंग, कब तुमने कहाँ से लिया? आंटी नहीं दिए हैं भाई, खुद ही मैंने, वो टपरी वाला। विमेन ओए चुप रहे, वी आर विमेन क्वींस। ओके आंख तो खुलने दे बहन, कैमरा तब भी सुंदर लग रही है ब्रो। पियो भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं। चीयर्स इलायची आप देख सकते हैं, पहले इन लोगों को मॉर्निंग बेड टी विद ब्रेड दिया गया है, अब उसके बाद इन लोगों की मसाज हो रही है। मैंने बेड टी नहीं ली ना। हाँ बेड टी नहीं ली है तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगी। मैडम और कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज? रूम खाली कर दो, रूम खाली कर दो। गाइज अब घर वापस जाने का समय आ चुका है, सॉरी हम इस व्लॉग में ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाए, लेकिन मैं आपको डार्क सर्कल्स यहाँ चले आए, यहाँ थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे। गाइज इट्स ओके गाइज, वी आर द रियल ब्यूटीज। या ये देखो सुबह सुबह उठ के चिप्स खा रही है। ब्रश किया तूने? ब्रश किया? अब गाइस घर में मम्मी मेरी हो चुकी है गुस्सा क्योंकि मैंने आग लगाई है।
इसका मीनी ने कॉल किया आंटी आपकी बेटी ऐसी, आपकी आंटी आपकी बेटी वैसी, और मेरी माँ ये वाला ब्लॉग देख के ना लोग समझ जाएंगे इसको कलेशी औरत है। या आई एम अ रियल बिच इफ यू स्टिल वांट मी मेगा मान नाना ना सुकरवा आगे गाड़ी कटर रख के नीचे एक आधा दबावेगी कि मौत का सहारा दो। वेरी गुड वेरी गुड। आप इंडियन आइडल में नहीं जा पाए, आप बॉम्बे नहीं आ रही है, आप मुंबई नहीं आ रही है। गाइस अपूर्वा डूइंग हर वाइफ ड्यूटीज, अपनी बंदी से बात बंदे से बात कर रही है और ये अपने बंदे का एज यूजुअल फोन काट देती है। और हमारे पास बंदे है ही नहीं एज यूजुअल भाई। कल मैं और मल्लू डिस्कस कर रहे थे गाइस, फिर हमने इसने मुझे बोला कि मुझे हमें कोई पूछता नहीं है, तो मैंने इसको बोला ठीक है मैं पूछती हूँ। मैंने कॉल करके लिटरली हम मैं और मल्लू बैठ के चिप्स खा रहे हैं और पहले रितिका के बंदे का कॉल आया, फिर अपूर्वा के बंदे का कॉल आया, अपनी शादी का डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी शादी का डिस्कशन कर रहे हैं। यार ऐसा होना है, अब मेरी शादी के पास डेट मत रख लियो तुम। और मीना मियां और मल्लू एंड हम लोग इन दोनों से एक साल बड़े हैं। Irony of the life. और गाइस आपको पता है वैष्णवी उम्र निकल रही है ना इनकी कमीनी। वैष्णवी को भी एक दिन पार्टनर मिल जाए क्योंकि अंकल आंटी को लाना है। यहाँ तो मैं आपको सोच रही हूँ इसके घर वाले ना सोच भी नहीं रहे इसकी शादी का। बेटा तेरे साथ यही है कि दूसरों की शादियाँ जो तुम करा रही हो उसमें अपने लिए भी लपक लो एक। यार मुझे लगता है एकदम से कोई क्लिक करेगा तेरी लाइफ में, क्लिक करेगा माउस का बटन हो रहा है। तुम उसका ना कुछ वेडिंग प्लानिंग का होगा और वो तुझे अपना शादीशुदा होते हैं वहाँ मर्द सारे। यार यंगस्टर्स भी होते हैं, दादाजी होते हैं ना तो ऐसा क्यों सोच रही है क्या पता। आई मैनिफेस्ट अ बॉय हैंडसम हैंडसम नहीं राउडी। अरे ये बस राउडी द गन नहीं राउडी बोल रही थी मैंने कहा भाई क्या बोल रही है राउडी। इसको गन वाले लड़के चाहिए, गन वाले लड़के इन द कमेंट सेक्शन में लो। गन वाले ऐसे हाथ से पकड़ने वाले नहीं चलाने वाले। एक रिश्ता मम्मी ने दिखाया था, सही लग रहा था, दिखाओ तुम्हें दिखा दिखा गाइस तुम आपको नहीं दिखाएंगे। सो गाइस मैं घर तो आज हमारे पास आए बहुत सारे Amazon के ऑर्डर्स और हमें नहीं पता ये क्या है, ये लाई है मम्मा मतलब मम्मी ने ऑर्डर किए हैं तो मैं करूंगी ओपन क्योंकि मैं हूं सबसे खाली। गौरी फास्टर मंगाया मम्मी ने आई थी, मम्मी बुढ़ी हो रही है तो आईब्रो खत्म हो रहा है ना उनका, नहीं नहीं कट करके वापस ऑन कर दिया है। और ये ऐसे बोलेंगे तू जहाँ से टकली है वहाँ से और ओ फिर ऐसे करना है। ये है हमारा लैपटॉप का कवर, इतना बड़ा थोड़ी हो, फिर हम कुछ खोलेंगे इसमें हमारा आईफोन वापस करना हो तो ऐसे कैसे बोल देंगे। ये क्या है मम्मी ने क्रीम है, ग्लोइंग क्रीम है, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड। नेक्स्ट पैकेज प्लीज। यार दीदी सब काट दे, बहुत ही बढ़िया लग रही है। मिल गया एब्सोल्यूट, ये तेरी लिपस्टिक्स है इसमें नहीं सब मम्मी के लिए मैंने ऑर्डर करा। आई लव इट, लेट्स प्लीज तमीज से खोलियो, जानवर की तरह खोलने की जरूरत नहीं है, समझ आई? खुल गई गाइस। ये ड्रामे है भाई इस लड़की में, भाई मुझे मजा आ रहा है। लेट्स गो गाइस, हमने बात खोल दिया है, लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। ओह गॉट इट, आप देख सकते हैं अंदर, एक शेड लगा के देखा। बहन तोड़ियो मत, वो तो बेवकूफ है क्या, तोड़ियो मत, तू बेवकूफ है। तूने मम्मी के लिए खेलने, मम्मी ने खुद ऑर्डर किया है, मैंने बड़ी लिपस्टिक ऑर्डर की थी We got this matte eyeliner from Sugar Pop.
और हमारे पास है एक फाउंडेशन, मम्मी कह रहे हम खोलेंगे नहीं, हमें पता है कैसा होता है। तो ये हमारे पास ब्लू हेवन का आई पॉप आई शेडो पैलेट फाउंडेशन। इस घर में मेरे शेड का फाउंडेशन कभी नहीं आया है। ब्लू हेवन का सामान बहुत सारा आया भाई। ये लो अपना फाउंडेशन, ये लो ये क्या नाम है, आई शेडो पहले आई शेडो मस्कारा। ओ मस्कारा व्हाट द, आई वाज राइट। अब है हमारे पास गाइस ब्यूटी ब्लेंडर, इसे ब्यूटी ब्लेंड हो जाती है। फिर हमारे पास एक प्राइमर जिसकी किसी को जरूरत नहीं है, मम्मी लगाएंगे। फिर हमारे पास ये लिप बाम यूजलेस वी वेस्ट पर मम्मी, अरे ये वो है रे। मम्मी ने उस लिपस्टिक को वैसे ट्राई किया, चटक पिंक है, बहुत ही घटिया पिंक है, इसे फेंक दो। इसमें कोई कलर मिक्स करके लगाएंगे तो शायद सही आएगा, मैं बस लगाऊंगा इस, देखते हैं कितना बुरा है। ये ले बारबी वाला पिंक कलर है, नहीं अच्छा लग रहा है तेरे पे, नहीं ज्यादा नहीं लगाना चाहिए था, बुरा लग रहा है अब। ये दिखा, ये तो तुम्हारा है ना कि मेरा ही है। अरे सब ले लो मम्मी, वो वाला मेरा भी कैसा लग रहा है। अबे यार मैं तो जोकर बनाना चाहती बट अब ठीक है, इसमें एक और लिप सही लग रहा है तेरे पे। मम्मा देखना क्यों तुम्हारी एटी हूँ मैं, क्या बात कर रही हो आप दोनों भी तो अच्छा लगेगा, मेरे जैसे पे नहीं अच्छा लगेगा जिसके होच ही नहीं है। Guys, now it's time to end the vlog. So don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Bye.